भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आप देखिए चार से ये पार्टी 40 के आसपास पहुंची, तो किस तरह से यहाँ के महिला कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। आज भारत में पूरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर स्टेट में, तेलंगाना में तो निजाम की सरकार चल रहा है। ये केसीआर का पहला जमाने में 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निजाम को कैसा हटाया है, आपको लग रहा है? आपको लग रहा है, लेकिन मेयर तो उन्हीं की पार्टी का बनेगा, बीजेपी कहाँ है? मेयर उनके पास है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी जो आज हैदराबाद में उनका जो स्थान लिया है, 40 सीट मजाक नहीं है। हम 4 सीट से 40 सीट तक है, ये स्टार्टिंग है। जो स्टार्ट से हम लोग कल 2023 में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपना कायम करेगा, अपने सीट्स का कायम करेगा। जो तेलंगाना आवाम के लिए जो भी नेगेटिव काम कर रहे हैं, वो आगे की लड़ाई है, आगे की लड़ाई है। आप सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से उत्साहित दिखाई दे रही हैं यहाँ पर बीजेपी के दफ्तर में, और जाहिर तौर पर उनके लिए बड़ा मौका है। बीजेपी ने इतिहास रचा है, हालांकि वो अपना मेयर नहीं बनाने जा रही है, लेकिन इस 40 सीटों के जरिए जो 40 के आसपास अब तक आती हुई दिखाई दे रही है, उनके जरिए 2023 का बड़ा सपना वो जरूर देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।